हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा ऑन सोनी टीवी। अच्छा, कपिल शर्मा ने कभी सोनी टीवी का नाम नहीं लिया, हमेशा स्पॉन्सर के नाम बोलता रहता है। शो आता है सोनी टीवी पे, सोनी टीवी बेचारे इतना बड़ा टीवी और इतना सा लोगो लगाते साइड पे, इधर आता है। मैं सिद्धू साहब को यहाँ पे बिठा के गया था कि ध्यान रखें, इन्होंने यहाँ पे किसी और को यहाँ पे कमरा चढ़ा दिया। हेलो, बाहर निकलो, कौन है? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो, कौन हो तुम? एक मिनट, आप लेडीज कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हैं भाई साहब? एक तो इस सोसाइटी की ये बड़ी प्रॉब्लम है, सारे मर्द लेडीज कपड़े पहन के घूमते हैं यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, माई सेल्फ बबली, मैं कप्पू की मासी हूँ। बाप, बड़ी बासी मासी रखी हुई है। चलो निकलो यहाँ से, इस सोसाइटी में कोई नहीं रह सकता। चलो, तुम कौन होते हो हमें निकालने वाले? आपने मुझे नहीं पहचाना? आई एम द चीफ एग्जीक्यूटिव गेस्ट इन दिस सोसाइटी। चीफ एग्जेक्टिव गेस्ट? लो जी, जवान लड़की किसी लड़के की दोस्त नहीं होती और ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती। ऐसे कैसे पोस्ट नहीं होती? आज मैंने सुबह फेसबुक पे पोस्ट डाली, लोगों ने कमेंट भी किए, लाइक आए 16। सिद्धू जी ने बीच में लिखा ठोको फोटो। देखो अपना सामान उठाओ। अजाब लेडीज, मैं आपका सामान उठा के फेंक दे। खबरदार मेरे सामान को हाथ लगाया तो तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। एक मिनट, पहलवान जी, पहलवान जी जरा आना। जानू बेबी, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे बिल गेट्स की प्रॉपर्टी चाहिए, दिलवा दो। बिल गेट्स को ज्यादा नहीं हो गया बेबी? ये पहलवान कुछ ज्यादा नहीं हो गया बेबी? भाई साहब, मैं पहलवान नहीं हूँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, आप हो भी नहीं सकते, ये कह रही हैं आपको पहलवान। ये तो इस बच्ची का प्यार है। मेरी जलेबी की चाशनी। सुन बे छोटे आम के आचार, पहले तूने जायदाद गवा दी, फिर अच्छी खासी नौकरी गवा दी, अब अकल भी घास चरने चली गई। अकल घास चरने ना गई हो तो क्या मैं तुमसे शादी करता? अच्छा भाई साहब, एक बात बताओ मुझे, आप पूरे आ गए होगे, अभी और आना है आपको? पैसे नहीं है ना मेरे पास, वरना खड़े खड़े मजाक खरीद लेता मैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी दिल्ली में इनसे बड़े गुलाब जामुन होते हैं। एक्सक्यूज मी, ये मेरे पति हैं। नाबालिग पति से शादी करके घूम रही, शर्म नहीं आती तुम्हें? लेडीज होकर जेंट से शादी करती हो? हाँ, तो जेंट से शादी होती है। देखिए, आप बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, ये मेरी पत्नी है। अच्छा छोटू, इधर आओ मेरे साथ, अंदर इधर आओ। मैंने सुबह बनाया था आलू और सोया की सब्जी। अच्छा, आलू मुझे मिल गया, सोया मिल नहीं रहा, पतीले में कुदी मार के सोया ढूंढ के लाओ। चलो 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 चलो। मैं तरी में से सोया क्यों निकालूंगा? सोया नहीं भाई साहब, मैं बड़े बड़े लोगों के काम देखता हूँ। बड़े बड़े लोग तुम्हें अपना काम क्यों दिखाते हैं भाई? अपना काम किसी को नहीं दिखाना चाहिए, वरना काम खराब हो जाता है। चलो अपना आधार कार्ड दिखाओ। तुम्हें आधार कार्ड क्यों दिखाएं, तुम कोई पुलिस हो? हाँ, मेरा पुलिस का काम था दिल्ली में। ऐसे कैसे पुलिस का काम था, पुलिस में तो भर्ती होते हैं। हाँ तो मैंने भर्ती की थी, 3 लोग मैंने भर्ती किए थे। दिल्ली पुलिस से ज्यादा सख्त हमारी पुलिस थी। आज देख लो, वो बिना हेलमेट वालों को चलान काटते दिल्ली पुलिस वाले, मैंने हेलमेट वालों को भी काटे, क्योंकि मेरे को पता था ये स्कूटर चलाने के लिए पहनते हैं, घर जाके उतार देंगे। अच्छा दिल्ली पुलिस ट्रिपल सवारी का चलान करती है, मैंने सिंगल सवारी का भी किया है। मैं कहा तू अकेला स्कूटर चला रहा, तेरी किससे नहीं बनती इसका काटो चलान। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारी पुलिस 4 दिन चली, पूरे 5वें दिन पकड़ी गई, फिर उनके हवलदारों ने हमारे दरोगे को मारा। अच्छा इंसानी नाम की तो जमाने नहीं रहा, रैंक की तो इज्जत करनी चाहिए थी, कांस्टेबल आदमी दरोगा को मार रहा। देखो तुम लोग निकलो यहाँ से। आप चुप क्यों खड़े हैं, कुछ कहते क्यों नहीं? भाई साहब आप चाय लेंगे या ठंडा? अच्छा भाई साहब मुझे एक बात बताओ, जैसे आपको छींक आती होगी पूरी आती है, इतनी आती है, जैसे आपको हिचकी आती है तो आप अकेले वजन उठा लेते हैं कोई आदमी रखा हुआ है? आप मेरे पति से ऐसे बात नहीं कर सकते। अब ये बताओ, आपको जब बुखार आता है तो लेडीज बुखार आता है कि जेंट्स? आप मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, भले ही इनसे कर लो। हमने कप्पू को 10,000 रुपए दिए हैं यहाँ रहने के लिए। 10,000 दिए, मुझे भी 10,000 दो। आपको
क्यों दे? आप तो कप्पू के पड़ोसी हो। तो 5,000 दे दो। मुझे लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। ठहरो मैं बताती हूँ आपको। पहलवान जी, मैंने कहा पहलवान जी। अब देखना। ओ क्या बात हो गई भाई, मजा आ गया। आज तो सुबह सुबह याद कर लिया, क्या हो गया भाई साहब? खबरदार, जो मुझे भाई साहब कहा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो है। क्या कहा? भाई साहब, भाई साहब ये मेरी धर्मपत्नी है। लेकिन पहलवान तो मैं हूँ ना। हाँ? और मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा अगर मेरे भाई साहब को कुछ कहा तो। मुझे ये दारा सिंह की आवाज निकाल के बिल्कुल नहीं डराना, मैं कह रहा हूँ मुझे रखने से कोई पहलवान ही बन जाता। ओ बरखुरदार, हम सच्ची के पहलवान हैं। मुझे खुद कुश्ती का बड़ा शौक, मैंने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटाई, पता है? अच्छा, आ जाओ फिर अखाड़े में। नहीं, दो हाथ हो जाए। मैं कुश्ती बंदूक से लड़ता हूँ। हाँ, हमारी फैमिली में लड़कों को लंगोट अलाउड नहीं, हम बहुत ज्यादा सेक्सी लगते हैं। दिल्ली में हमारे बड़े फैन लोग हमारी पहलवानी के। आप दिल्ली से हैं? हम भी दिल्ली से हैं। हाँ। करोल बाग से। करोल बाग नहीं, करोल के गमले से हो गए आप। वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं और आप हंस रहे हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है ना, वरना खड़े खड़े इनका मजाक खरीद लेता मैं। भाई साहब, ये भाई साहब कह रहे हैं कि हम यहाँ रह नहीं सकते। वैसे कैसे नहीं रह सकते भाई, किराया दिया है किराया। हाँ? तो मुझे नहीं दिया, कप्पू को दिया, मुझे भी दो। हाँ तो घर भी तो कप्पू से लिया है। देखो घर कप्पू का है और घर देश में आता है, घर देश में आता है, देश घर में नहीं आता, समझ में आया? ऐसा करो बैठ चीट के बातचीत कर लेते हैं। बैठ चीट के बातचीत नहीं करते, बैठ के पत्ते खेलते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैंने बहुत दिनों से पत्ते नहीं खेले। पत्ते खेलना गंदी बात होती है, आप कबड्डी खेलो, आप पे सूट करेगा भाई साहब। खबरदार, मुझे ऐसा कहा, मैंने जमीन में गाड़ देना है तुझे। इस सोसाइटी में इतनी बड़ी औरत नहीं रह सकती, इसको पार्किंग में खड़ा करो, सारे ट्रक उधर खड़े हैं। आप चुप क्यों खड़े हैं, कुछ कहते क्यों नहीं? भाई साहब, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? इन छोटों को तो निकालो बाहर। क्यों? और इनको मैं अपने दिल में रख लूंगा। ए, मेरे को एक बात बताओ पहलवान जी, ये आपकी मूछें हैं कि बुजुर्ग मकड़ियों ने जाले लगाए हुए हैं? देखिए ये इज्जतदारों का मोहल्ला है, आप यहाँ पे अपने पति के साथ नहीं रह सकती। तो मैं अपने पति के बगैर रहूंगी? तो वो भी तो अपने पति के बिना रह रहा है, इतना छोटा सा आदमी बेचारा। बेटे एक बार बताओ, बड़े होके क्या बनोगे? अब क्या बढ़ाऊंगा, ये मेरा बेस्ट था। ये तुम्हारा बेस्ट है, तुम्हारी मुझे भी छोटी रह गई। आप मेरे सामने मेरे पति की बेइज्जती नहीं कर सकते। तो आप अपना मुंह उधर क्यों नहीं कर लेती फिर? मुझे लगता है सुबह सुबह लड़ने का मन बना के आए हो। मैं सुबह सुबह कभी चाय नहीं बनाई, मन क्यों बनाऊंगा बड़ी मूंछों वाले आठू। अरे तुम्हारी मुझे पसंद नहीं आई। एक मिनट, हम लड़ क्यों रहे हैं? चाय मैं बना के लाता हूँ, आप लोग बैठी बैठी बैठी। एक बात बताओ, ये खुशबू बड़ी आ रही, मुर्गा बनाया किसी ने? ओ मैंने मुर्गा बनाया। लानत है तुम पे, इतने बड़े पहलवान हो गए मुर्गा बना रहे हो। हिम्मत है तो शेर बनाओ। जैसे मैंने शेर बना लेता हूँ, ये देखो। चाय 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 आई 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 आई। अच्छा सारे इधर आओ। मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे रहना है, मेरी तीन शर्तें हैं। क्या? पहली शर्त, तुम यहाँ नहीं रह सकती। दूसरी शर्त, तुम यहाँ नहीं रह सकते। तीसरी शर्त, तुम नहीं यहाँ रह सकते। अरे 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 भाई साहब, पहले चाय पीते हैं, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। एक बात सुनो, अपनी चाय को थोड़ा स्ट्रेस दो। क्यों जी? स्ट्रेस दोगे इसको टेंशन आएगी, टेंशन आएगी इसको शुगर होगी, इतनी फीकी चाय आप। सॉरी सॉरी, कितनी शक्कर लेंगे आप? मुझे तो ऑलरेडी शुगर है, मेरे 10 चम्मच डाल दो। शुगर है फिर 10 चम्मच क्यों? तो मुझे शुगर है, चाय को थोड़ी डॉक्टर ने मुझे मना किया है, उसमें डालो। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, मुझे जागने में थोड़ी सी लेट हो गई। लेकिन मुझे बताइए, यहाँ पे मैंने जो लड़ाई थोड़ी मिस कर दी क्या, थोड़ा रिपीट टेलीकास्ट कर देंगे मेरे लिए? अरे बब्बर, मुझे एक बार जाओ, अपनी गर्दन से कम मिलवा रही हो हमें। अच्छा आप बताइए कि आप सुबह सुबह यहाँ पर कैसे आ गए? अच्छा मैं आ गया, मुझे ये लो, तुम अपने क्षेत्रफल से 200 मीटर ज्यादा बाहर आ गई, मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा? पहलवान जी एक बात बताइए कि आपने ये जो बॉडी है क्या मुर्गे बनाने के लिए बनाई है या तेरा हाथ वाथ भी उठाएंगे? माफ करना देवी, मैं औरत पे हाथ नहीं उठाता। अरे भाई साहब, ये खुद पर नहीं इन पर हाथ उठाने की बात कर रही है। डैडाब, तुम दोनों यहाँ से निकलो और अपना सामान लेके निकलो, जाओ चलो। ओ भाई साहब, मैं सामान ही पहलवान हूँ। देखो मैं 3 तक गिनूंगा। हाँ इनको 3 तक ही गिनती आती है। रुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, इन्हें मारने से पहले आपको इसकी लाश पे से गुजरना होगा। एक सेकंड, मैंने कब ऐसा कहा? तो तुम्हें कहना आता ही कहाँ है?
और कहना छोड़ो तुम्हें कुछ भी कहाँ आता है, डॉक्टर की बेटी होने के अलावा तुम हो क्या? तुमने अगर एक और लफ्ज कहा ना तो मैं बेड नंबर 3 के पेशेंट को उठाकर तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगी। और चाचा जी अब क्या कर रहे हैं, ये कप्पू के मासी मौसा है, मतलब मेरे होने वाले सास ससुर है, आप क्या बोल रहे हैं? खाने से कुपोषित लड़की। मैं कप्पू की मौसी हूँ, ये मौसा है, पर तू ना रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर। मौसी जी आप शादी से पहले बहू से ताने सुनना पसंद करेंगी? आय हाय, तेरे तो होंठों से भी लंबी तेरी जबान है। मुझे बड़ा मजा आया, इसके सर पे केतली उठा के मार दे। नहीं देखिए देखिए, आपको इस सोसाइटी से बाहर कोई नहीं निकालेगा, लेकिन रोज आपको ऐसी दो बातें करके मुझे हंसाना होगा बस। भाई माफ करना, मुझे लगता है मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ तो आप एक काम कीजिए ना, आप उधर जाके भटक जाइए, क्योंकि मुद्दा हम तो इंजॉय कर रहे हैं। आप बोलते रहिए भाई साहब, आप बोलिए। क्या भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, तू भाई साहब, तेरी माँ भाई साहब, तेरा प्यो भाई साहब। हाँ तो होंगे, तो इसमें इतना चीखने वाली क्या बात है। हाँ लेकिन सीखने वाली बात है, मैनर्स या तो सीख लीजिए या फिर यहाँ पर फिर कभी ना दिख लीजिए। ओए मोटू, खबरदार तूने मेरे भाई साहब को कुछ कहा तो। खबरदार जो किसी ने इन्हें भाई साहब कहा तो। देखो मैंने पुलिस बुला ली है, तुम्हारे सामान में मैंने इल्लीगल सामान रख दिया, तब पकड़े जाओगे। क्या? अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक रास्ता है। कौन सा? ये जो हॉस्पिटल जाता है, मैं जा रही हूँ। प्यारी बहू तू कुछ करना। अरे ये क्या कर रही है? ये क्या कर रही तू? अरे आपने तो कहा बहू कुछ करो, तो मैं डांस करने लग गई। भाई साहब मेरे पास फिलहाल ही 1000 रुपए हैं, ये रख लीजिए, अगले महीने से आधा किराया हम आपको दे देंगे। लो भी, आधे का आधा तो आ गया, बाकी का मैं आपको देसी मुर्गा दे दूंगा आधा। अच्छा तो मैं आप मुर्गे के साथ रोटी बनाकर दूंगी। ओके आई एम सोल्ड, मैं बिक गया, चलो मुर्गा खाते हैं। आयो आयो, चलो चलो चलो, पहले सबसे पहले मैं, अरे तुमसे पहले मैं खाऊंगा। चाचा जी अरे सुनिए, फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।